आज हम बात करेंगे दुनिया भर में जो है डॉक्टरों पर जो हमले हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारत में 68% घटनाएं हुई हैं। 63% डॉक्टर मानते हैं डर के बीच इलाज करते हैं। डॉक्टरों का विश्वास, डॉक्टरों पर अविश्वास या इस बड़ी जो महामारी है इसमें डॉक्टर ही हमारे एक सहारा बने हैं, लेकिन इस दौरान उन पर हमले भी बहुत बढ़े हैं। इस पर हम बात करेंगे। 68% लोगों पर हमले हुए हैं, इनमें भारत में सबसे ज़्यादा हमले सामने आए हैं। कोरोना संकट के बीच एक तरफ दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मियों को जहां कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ मारपीट और हिंसा की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। अकेले भारत में ही अब तक दर्जन भर से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें डॉक्टरों पर हमला करने से लेकर उन्हें अपशब्द कहने, उन पर थूकने, घरों से बाहर निकलने तक के मामले शामिल हैं। ACLED की रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी से लगभग 45 दिन में दुनिया भर में डॉक्टरों के विरुद्ध हुई हिंसा की कुल घटनाओं में 68% अकेले भारत की है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु जैसे राज्य इनमें शामिल हैं। कहने को डॉक्टर की सुरक्षा के लिए देश के 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग कानून हैं, लेकिन ये पूरी तरह निष्प्रभावी हैं। IMA के अनुसार यह इसलिए क्योंकि आज तक एक भी आरोपी को इन कानूनों के तहत सज़ा नहीं मिली है। डॉक्टरों में असुरक्षा इस कदर हावी है कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी इलाज करने को मजबूर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर 22 अप्रैल को देश भर में कैंडल जलाकर इसका विरोध भी किया गया था। हालांकि महामारी के बीच विरोध प्रदर्शन की जानकारी होते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा का आश्वासन देकर इसको रुकवा दिया था। इस तरह से देखें 23 अप्रैल को लगभग 123 साल पुराने महामारी अधिनियम में कई बड़े बदलाव किए गए। एक अध्यादेश लाया गया, इसमें 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। इस नए एक्ट के तहत, नए अध्यादेश के तहत गुजरात में इस कानून के तहत पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। अब हम आपको लिए चलते हैं कि पूरे स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट यानी कि ACLED की रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी के बाद लगभग 45 दिन में दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध कई घटनाएं हुई, इनमें 68% घटनाएं अकेले भारत से हुई हैं। ACLED दुनिया में होने वाली राजनीतिक हिंसा की घटनाओं और उनके विश्लेषण को कवर करती है। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध स्टेट फोर्स एवं आर्म्ड ग्रुप, लोगों के समूह अथवा लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से हमले किए गए। रिपोर्ट यह भी बताती है कोरोना महामारी के दौरान शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सुविधाओं और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए सरकारों के विरुद्ध प्रदर्शन भी करने पड़े। इस विरोध प्रदर्शन के बाद सरकारें जागीं और स्वास्थ्य कर्मियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। 2017 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने देश के 1681 डॉक्टरों पर एक सर्वे किया था। इसमें 82.7% डॉक्टर्स ने यह कहा था कि उन्हें इस पेशे में तनाव का सामना करना पड़ रहा है। 82.7% भारतीय डॉक्टरों ने पेशे में तनाव की बात कही। 46.3% डॉक्टर मानते हैं हिंसा उनके तनाव का मुख्य कारण। 62.8% ने माना कि वे हिंसा के भय के बीच मरीज देखते हैं। 57.7% डॉक्टर सिक्योरिटी लेने के बारे में बात कर रहे थे। 38.38% हेल्थ वर्कर्स करते हैं हिंसा का सामना। WHO के अनुसार देश के कुल 11.5 लाख एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। जनसंख्या के मुताबिक देखा जाए तो भारत में 1445 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि WHO के अनुसार 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। 1000 लोगों पर देश में 1.7 नर्स हैं, जबकि मानकों के अनुसार 3 होनी चाहिए। इस तरह से देखें तो पिछले दिनों से लगातार ये ऐसा देखने में आया है कि डॉक्टरों पर हमले की बातें आम हो रही। हालांकि इस पर अब जो है नया अध्यादेश ला करके केंद्र सरकार ने इस पर कुछ लगाम लगाई है। पिछले एक महीने से डॉक्टरों पर हमले की या नर्सों पर हमले की कोई एक भी खबर सामने नहीं आई है। शुरुआती दौर में कुछ अनभिज्ञता और कुछ जागरूकता की कमी की वजह से ऐसी खबरें देखने में मिली थी, लेकिन अब ऐसी खबरों का एकदम से लोप हो गया है, यानी कि कानून अपना काम करने लगा है। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिए और आज ही अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।